ओम नमस्ते। आज जिस व्यायाम की मैं बात करने वाला हूँ, ये व्यायाम इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली है कि इस व्यायाम को अगर कोई इंसान हफ्ते में एक बार भी लगाए तो उसको 2 महीने में बढ़िया रिजल्ट दिखा देगा ये व्यायाम। हफ्ते में 1 दिन ये लगाना है, बाकी 6 दिन आपको व्यायाम करना होगा, कोई भी व्यायाम अपनी सभी मसल्स का। जैसे कि आप सोमवार से शुरू करते हो और शुक्रवार तक अपना वर्कआउट करके शनिवार को ये व्यायाम आपको करना है जो मैं बताऊँगा, और संडे की छुट्टी करनी है। मतलब ये व्यायाम लगाने के अगले दिन आपको कोई व्यायाम नहीं करना। इस व्यायाम को करने में लगभग 1 घंटा लगेगा। इस व्यायाम को सुबह जल्दी या शाम को ठंडे मौसम में आप कर सकते हो। शर्त यह है कि इस पूरे व्यायाम को शुद्ध ऑक्सीजन में किया जाना चाहिए, जैसे कि खेतों में कहीं शांत माहौल हो जहां पे शुद्ध ऑक्सीजन हो, छत पे भी कर सकते हो। देखो ज्यादा कुछ मैं नहीं बताऊंगा, जो फायदे अपने शरीर को लेकर आप चाहते हो ना, आप चाहते हो आपका टेस्टोस्टेरोन हाई हो, आप चाहते हो कि आपके अंदर बल हो, ताकत हो, स्टेमिना हो, आपकी बॉडी सुंदर हो, फिट हो, ग्रोथ हो आपकी बढ़िया, तो भाई वो सब ये 1 घंटे का व्यायाम दे देगा आपको। बस अनुशासन के साथ पूरा करें। बहुत सारे भाइयों के कमेंट भी आएंगे कि क्या इस व्यायाम को डेली कर सकते हैं, तो भाई नहीं, इस व्यायाम को आप ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते में 2 या 3 दिन, अगर आप जिम करते हो या फिर घर पर दंड बैठक लगाते हो खूब दबाकर, तो हफ्ते में 1 दिन बहुत है ये व्यायाम, तो ठीक है समझो। व्यायाम शुरू करने से आधा घंटा पहले 1 केला, अंजीर और मुनक्का खाओ। वर्कआउट एक्सरसाइज करने के लिए जो सबसे बेस्ट एनर्जी चाहिए होती है बॉडी को, वो इन 3 आहारों से, 3 फूड से सबसे ज़्यादा मिलती है। बॉडी पर तेल की मसाज कर लो हल्की सी। सबसे पहले करेंगे ताड़ा आसन। इस प्रकार ताड़ासन करें, सांस भरते हुए ऊपर ले जाए दोनों हाथों को, सांस छोड़ते हुए नीचे। एडी भी साथ साथ उठानी है, ऊपर जाते समय एडी ऊपर उठाओ, फिर नीचे आते समय नीचे रखो, ठीक है। इस प्रकार 10 बार करो। ये योग है, स्ट्रेचिंग नहीं है। आप सोच रहे हो कि मैं स्ट्रेचिंग बता रहा हूँ, ये योग है, इससे आपकी बॉडी में ऊर्जा का संचार होगा। दूसरा फिर आपको करना है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार जब आप करोगे तब आपको वीडियो में देख देख के करना पड़ेगा, बहुत सारी वीडियो सूर्य नमस्कार की मिल जाएगी। सूर्य नमस्कार है दुनिया का सबसे पावरफुल आसन, इसको करें आप 12 बार। अब ये 2 आसन करने के बाद आपकी बॉडी एकदम खुल जाएगी, एकदम एक्टिवेट हो जाएगी। अब ये फायदा देखो क्या है, यहां पर आपकी स्ट्रेचिंग भी होगी, वार्म अप भी हो गया, और प्लस योगा आप ये कर रहे हो तो योगा का फायदा आपको अलग से मिलेगा, क्योंकि ताड़ासन और सूर्य नमस्कार योगा ही तो है। अब आपको सबसे पहले करना है प्लैंक। इस प्रकार ये व्यायाम आपने किया भी होगा, देखा भी होगा करते हुए लोगों को, ये आपके पेट के सिस्टम को अंदर और बाहर से मजबूत करता है, बॉडी गर्म करता है, मजबूत बनाता है। इस व्यायाम के आप 3 सेट लगाए। अगला व्यायाम आपको करना होगा मुगदल के साथ। मुगदल खुद बनवा लो, आप लकड़ी लेकर आओ, 1 6 किलो का बनवा लो, जैसे मैंने बनवा रखा है, 1 मुगदल 6 किलो का और 1 मुगदल 10 से 11 किलो का। 6 किलो का मुगदल आप एक हाथ से घुमा सकते हो और 10 से 11 किलो का मुगदल आप दोनों हाथों से घुमा सकते हो। सबसे पहले 3 सेट आप करो हल्के मुगदल के साथ, एक हाथ के साथ ऐसे प्रॉपर तरीके से घुमाओ इसको, आपकी भुजाओं की ताकत बढ़ती है, इससे बॉडी की जो ऊपर की बॉडी है उसकी शेप बनती है। फिर 3 सेट आप लगाओ भारी मुगदल के साथ, दोनों हाथों से मुगदल को पकड़कर छाती में सांस भरकर मुगदल घुमाओ, सांस छोड़ो, फिर घुमाओ, सांस छोड़ो, सांस भर भर के, ठीक है। ऐसे 3 सेट भारी मुगदल से के साथ आप बिल्कुल आराम से करो। आपका दिमाग उस मसल पर होना चाहिए जिस मसल की ताकत लग रही है, इसको बोलते हैं माइंड मसल कनेक्शन, इससे रिजल्ट जल्दी मिलता है। इसके बाद आ जाते हैं दंड पर, साधारण दंड। इस प्रकार धीरे धीरे साधारण दंड लगाए जितने लगा सकते हो, नाक से सांस इकट्ठा करके आगे जाओ, पीछे आकर सांस छोड़ दो, ऐसे ये दंड लगाए, और टोटल 3 सेट बहुत है साधारण दंड के, सांसों के साथ लगाना है, दोबारा रिपीट कर देता हूं। इसके बाद आता है सबसे शक्तिशाली दंड, रामूर्ति दंड। सही तरीका देखो, छाती में सांस इकट्ठा करके आगे जाओ धीरे धीरे, 5 सेकंड लगने चाहिए आगे जाने में, फिर पीछे आना है बिल्कुल धीरे धीरे, जैसे आप गए थे वैसे पीछे आना है बिल्कुल धीरे धीरे, और पीछे आकर सांस छोड़नी है, स्पीड में नहीं छोड़नी, सांस बिल्कुल धीरे धीरे छोड़नी है। इस प्रकार 8 से 10 भी लगा दिए ना भाई बहुत है, सेट 3 लगाने हैं, हर एक सेट के बीच में 1 मिनट का गैप बहुत है। इस दंड के बाद आता है दंड बैठक। ये कैसे लगानी है देखो, हाथों को सीधा करके सांस भर के छाती में, पैरों के बीच में गैप ज्यादा ना हो, मतलब ठीक ठाक सा हो, एडी को उठाते हुए पंजों पर ये दंड लगाना है बिल्कुल धीरे धीरे। इस प्रकार घुटनों को आगे लेकर जाओ, पूरा प्रेशर आएगा आपकी लेग मसल्स पर, और ये दंड सबसे जल्दी आपकी टांगों को ग्रो करेगा और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपका बढ़ाएगा, सेक्सुअल एनर्जी को पावरफुल बनाएगा। इसलिए हो सके तो इस दंड के 4 सेट लगाओ बिल्कुल धीरे धीरे। तो ये हो गया व्यायाम पूरा आपका। जैसे ये व्यायाम खत्म हो तो आपको सुखासन की स्थिति में बैठ जाना है, ऐसे श्वास लेनी है एकदम गहरी नाक से। अब रोक कर रखो जितनी देर रोक सकते हो, इसके साथ मूलमंत्र लगाओ, मतलब अपनी मूत्र इंद्रिय और मल द्वार को ऊपर पुश करो। जब घबराहट होने लग जाए तो धीरे धीरे श्वास छोड़ दो, ये क्रिया करनी है 3 बार, इसको बोलते हैं प्राणायाम। ये सब करने के बाद, मतलब जितना कुछ मैंने आपको बताया, ये सब करने के बाद आपका जो सिस्टम है बॉडी का इतना पावरफुल बन जाएगा, एनर्जेटिक महसूस करोगे, इतना मतलब इतना
एनर्जेटिक महसूस करोगे, इतना पावरफुल महसूस करोगे ये सब करने के एकदम बाद, आपने आज तक शायद ही किया होगा इतना अच्छा महसूस। मतलब हार्मोन आपका बढ़ जाएगा, टेस्टोस्टेरोन, एनर्जी आपकी इंक्रीज होगी, पावर आपका इतनी ज़्यादा बढ़ेगी आप सोच भी नहीं सकते। और ये व्यायाम ना, आप अगर एथलीट हो तो तब भी आप हफ्ते में दो बार ये व्यायाम करो भाई, ये व्यायाम आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी बढ़ा देगा भाई पूछो मत। और सेक्सुअली बहुत मजबूत करता है, और भी दिमाग से बहुत मजबूत करता है, अंदर से बहुत मजबूत करता है, शरीर के अंदर जो हिस्से हमारे पाचन, दिल, जिगरा जिसको बोलते हैं, फेफड़े, नसों को मजबूत करता है, बीमारियां खत्म करता है भाई, बहुत फायदे हैं इस व्यायाम से। जो मैंने व्यायाम बताया ना, इस व्यायाम से हमारे देश में एक महापुरुष हुए, बलवान पुरुष हुए, जिनका नाम था राममूर्ति जी। उन्होंने, उनको जब जहर दिया गया था तो उन्होंने इस व्यायाम से अपने पूरी बॉडी से जहर निकाल दिया था। तो अब आप खुद सोचो कि कितना पावरफुल व्यायाम है। अगले वीडियो किस पर मुझे कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।